नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कुछ दिनों पहले जब नीतीश कुमार के नाइट कर्फ्यू पर संजय जायसवाल ने सवाल खड़े किए थे, तब जदयू की तरफ से मोर्चा संभाला था उपेंद्र कुशवाहा ने। उससे थोड़ी देर पहले हमने आपको खबर बताई थी कि उपेंद्र कुशवाहा को आरसीपी सिंह मार्जिनलाइज कर रहे हैं, साइडलाइन कर रहे हैं। कई उपेंद्र कुशवाहा के जो साथ में नेता रालोसपा से आए थे और जदयू में अब शामिल हो चुके हैं, वो अपनी जिम्मेवारियों को लेकर लगातार इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कौन सी जिम्मेवारी दी जा रही है संगठन में आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के द्वारा। अब चूंकि संगठन का पूरा जिम्मेवारी जो है वो आरसीपी सिंह के हाथ में है, और आरसीपी सिंह के बारे में मैंने आपको बहुत पहले ही समझा दिया है, जो लोग जानते हैं वो अच्छे से भी जानते हैं कि आरसीपी सिंह अपनी ताकत को शेयर नहीं करते हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को जो कमान दी है वो केवल और केवल भाजपा के साथ रिश्ते अच्छे रखने के लिए और टू वे जो संवाद है उसके चलते दी है। लेकिन बताया जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा के आने से बहुत ज़्यादा खुश आरसीपी सिंह नहीं है, लेकिन अपने नंबर को बढ़ाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के नज़रों में अपने कद बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को डिफेंड करते हैं और संजय जायसवाल को खरी खरी सुनाते हैं नाम लेकर कि संजय जायसवाल जी, ये वक्त राजनीति करने का नहीं है। जिसके बाद सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर हमला करते हुए उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक हैसियत भी बता दी और बता दिया कि नए जो मुसलमान बने हैं यानी नए राजद में आए हैं तो ज़्यादा प्याज ही खाएंगे ताकि नीतीश कुमार को खुश कर सकें, और ये सब कुछ चाटुकारिता के तहत वो कर रहे हैं। इसके बाद विवाद बढ़ गया। बताया जाता है कि अब तक उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी ने, उनके साथ आए लोगों ने अब तक इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा था, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से ट्विटर पर उनके पुराने समर्थक और उनके साथ जदयू में आए हुए, उनकी पार्टी के रालोसपा जो थी उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे, संतोष कुमार नाम है इनका, इन्होंने ट्वीट करके जो कुछ लिखा है जिससे ये विवाद आगे बढ़ जाता है। सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं। डॉक्टर संतोष कुमार प्रसाद लिखते हैं, आपदा की इस घड़ी में अभी वक्त है कोरोना से लड़ने का। इस मुश्किल वक्त में हमें टीका टिप्पणी करने से परहेज करना चाहिए, एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए। अभी राजनीति का नहीं बल्कि सेवा का समय है। पक्ष विपक्ष के सभी दल संयम बनाए रखें और बिहार के लिए संघर्षरत अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का साथ दें। देखिए, यहाँ नाम तो इन्होंने नहीं लिया है, नाम ना तो इन्होंने उपेंद्र कुशवाहा का लिया है ना संजय जायसवाल का लिया है। शायद अपने कद और पद को लेकर भी बहुत चिंतित रहते हों, इसलिए इन्होंने कोई, हालांकि अपने नेता का जो कहा सकता है जो उन पर हमला हुआ उसका बदला लेने की कोशिश की, लेकिन आपको पता है कि आरसीपी सिंह के पास जो फाइल है वो पड़ी हुई है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के आते ही उनको संसदीय दल का अध्यक्ष जरूर नीतीश कुमार ने बना दिया, फिर उनको MLC बना दिया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अकेले नहीं आए हैं, उनके साथ साथ कुशवाहा समाज के, उनके अपनी पार्टी के कई लोग उनके साथ जदयू में शामिल हुए हैं। लेकिन अब तक उनकी पार्टी के किसी भी नेता को कोई महत्वपूर्ण पद या जिम्मेवारी नहीं मिली है, जिसकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा लगातार हाशिए पे मार्जिनलाइज होते जा रहे हैं। अगर आरसीपी सिंह से लड़कर या आरसीपी सिंह से समझौता करके वो अपने लोगों को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो उपेंद्र कुशवाहा धीरे धीरे अकेले पड़ जाएंगे इस पार्टी में। ये बात वो भी अच्छे से जानते हैं। वो जानते हैं कि जिस दिन नीतीश कुमार का एजेंडा तय हो जाएगा उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, तब उनकी आवश्यकता और नीतीश कुमार को नहीं रहेगी। इसलिए वक्त रहते जो जदयू का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जदयू ताकत में जिस तरह से है, बिहार की सत्ता में है, इसका उपयोग करके अपने लोगों को भी सेट कर लेना है और अपनी राजनीति भी सेट कर लेनी है। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं उन्हें नीतीश कुमार पर हमला करने वाले लोगों पर मुखर होना पड़ेगा, और इसी कड़ी में उनसे एक चूक हो गई, जिस चूक को कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी ने एक ब्लंडर बना दिया। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा की टीम भी इस मामले में कूद पड़ी है। लगातार माधव आनंद या धीरज कुशवाहा, इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता चुप थे अब तक, लेकिन अब सबने चुप्पी तोड़नी शुरू कर दी है, और इसका सीधा असर पड़ा है कि जो उपेंद्र कुशवाहा की टीम है इसने नसीहत दे दी है भाजपा को कि वो राजनीति ऐसे मुद्दों पर ना करे। इस खबर में इतना ही, अगली खबर में आपसे मुलाकात करेंगे। दिन भर खबरों का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रउआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।